गाइज, अगर आप अपनी लेग्स को शेप में लाना चाहते हैं, अपने हिप्स को भी शेप में लेकर बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने लेग्स को बिल्कुल सेक्सी लुक देना चाहते हैं, आपके बट अगर एकदम फ्लैटन है उनको एक कर्वी शेप देना चाहते हैं, तो आज की मेरी एक्सरसाइजेस जरूर फॉलो करें। ये आपके ऊपर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है, वो भी बहुत कम टाइमिंग में। बस आपको इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है और बताए हुए रैप्स और सेट्स का ध्यान रखना है। करेक्ट पोजिशन फॉलो करेंगे तो विद इन अ मंथ आपको आपके बट्स में, आपकी थाइज में ह्यूज डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाए। अगर आज से पहले भी आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं करी तो भी आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत इजी होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी लेग्स में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, हिप को आपने बाहर की तरफ रखते हुए अपने बॉडी को ऐसे बीच में से, सेंटर में से बेंड करके रखना है। देन उसके बाद आपको अपनी लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है, देन बैक ऊपर उठाना है, ये बैक। ये वाली जो होती है आपकी ग्लूट मसल, यानी कि हिप मसल को बहुत अच्छे से राउंड शेप देती है, वहाँ के फैट को ख़त्म करती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैटन है आपके हिप्स तो उनको एक बहुत अच्छा कर्वी शेप देती है, तो ये बहुत बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे करने हमें 20 और 20 के करने हैं हमें 5 सेट ईच लेग। अदर लेग पे सेम। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हैंड की पोजीशन आप रख लीजिए, वही आपने हिप्स को अपने बैक करके रखना है, बिल्कुल बैक में, कमर को अंदर स्क्वीज करके रखना है, आपने लेग को, अपनी वन लेग को इस तरीके से साइड लेके जाना है, देन अदर साइड, ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है, और आपको ईच लेग ऐसा 20 टाइम्स करके 5 सेट्स करने हैं। अदर लेग पे भी सेम आपको 20 बार और उसके 5 सेट आपको करने हैं। पूरा स्ट्रेच करना है, जितना आपका एरिया आपके पास में वाइड करने के लिए हो लेग को, उतना आप अपनी लेग को वाइड करिए, पूरा स्ट्रेच करिए। जब स्ट्रेच करते हैं तो अपनी ग्लूट मसल को, यानी आपके हिप की मसल को बिल्कुल स्क्वीज करके रखिए, ताकि वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील हो। सेम अदर लेग पे करेंगे हम। रिलैक्स हो जाइए, यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के लिए हमने करने हैं स्क्वाट। स्क्वाट करने से एक तो आपका लोअर बेली जो ऐसे लटक जाता है थैले की तरह, वो बिल्कुल अंदर हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। इसके साथ में ये आपके हिप के लिए और थाइस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पैरों को वाइड करना है अपने शोल्डर के जितना, डंबल को इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। अपने हिप्स को बैक करते हुए अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है, हमें आगे बेंड नहीं होना, हमें स्ट्रेट बेंड होना है, उसी पोजीशन में नीचे जाना है। घुटनों को आपने पूरा नहीं खोलना, क्योंकि अगर आप इनका लॉक खोलते हैं बार बार नीज का, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, आपके घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तो आपने लॉक नहीं खोलना है, थोड़ा सा बेंड ही रखना है, देन दोबारा आपको नीचे जाना है। Thank you.
कम से कम 20 बार करना है और 20 के करने हैं आपको 5 सेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने सेम डंबल को इस तरीके से होल्ड करना है, स्क्वाट में आपने अपनी मसल्स को बार बार बाउंस करना है। कैसे बाउंस करना है अपनी लेग्स को, पहले सेम वही स्क्वाट की पोजिशन में आ जाइए, शोल्डर जितने हैं उतनी आप लेग्स वाइड करें, ठीक है। ऐसे अपनी कमर स्ट्रेट रखें, हिप को पीछे की तरफ रखें, आपके घुटने आगे की तरफ नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल लेवल में आने चाहिए। देन उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप देख रहे हैं मैंने अपने आप को स्क्वाट में रखते ही बाउंस किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे हम बॉल को बाउंस करते हैं, सेम मैंने अपनी लेग्स को ऐसे बाउंस करा है। जब आप स्क्वाट पोजीशन में होते हुए अपने आप को इस तरीके से बाउंस करते हैं अपनी लेग्स को, तो ये आपके बिल्कुल जो मसल फैट है यहाँ का, जितना भी एक्स्ट्रा बल्कीनेस है उसको ख़त्म करती है, आपके हिप्स को बहुत अच्छा टोन करती है, आपके इनर फैट जो है ना यहाँ पे थाइस के बीच में स्किन लटक सी गई है, लूज हो गई है, उसको ये बहुत अच्छा टाइट करेगी। तो आपको ऐसा 20 बार करना है और उसके करने हैं आपको 5 सेट, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ सेम एक्सरसाइज, बेंड हुए ऊपर, बेंड ऊपर, बेंड कमर स्ट्रेट। इस टाइम पे आपको अपनी हिप की मसल को बिल्कुल स्क्वीज करके रखना है ना, उस पर आपको लोड डालना है, टाइट करके रखना है। अपनी आर्म्स को इस तरीके से होल्ड कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होते हैं स्क्वाट तो आप एक टॉवल भी ले सकते हैं, टॉवल को कहीं नॉट में इस तरीके से ऐसे बांधकर आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं, उसके बाद आप किसी के हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, उसके बाद आप इस तरीके से स्क्वाट कर सकते हैं। बैक आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपने नीज के लॉक को नहीं खोलना है, वापस बाउंस करना है अपनी लेग्स को, देन बैक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सेम ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, हमने पैरों को इस तरीके से वाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डंबल से हम करेंगे या वाटर बॉटल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो इसके लिए आप इस तरीके से डंबल को होल्ड कर लीजिए उसको सेंटर से, देन वन, ऐसा हमें करना है 20 टाइम्स और इसे करने हैं हमें 5 सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आगे नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं बैक बिल्कुल मेरा पीछे की तरफ है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब आप सुमो स्क्वाट करते हैं, जब आप लेग्स को ऐसे वाइड करते हैं, तो ये आपके ग्लूट मसल को यानी आपके हिप मसल को आपने स्क्वीज करना है, आपने स्लाइटली जंप करना है, देन उसके बाद स्क्वाट करना है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से पीछे फोल्ड करना है, ठीक है। आपने अपने हिप को बाहर करते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ करते हुए आपने अपने पूरे अपर बॉडी को आगे बेंड करना है, इस तरीके से हैंड पीछे ले जाते हुए ऐसे, देन वापस आना है, देन स्क्वाट अगेन, लेग्स ओपन, बेंड, स्क्वाट अगेन, स्ट्रेट, देन बेंड, देन स्क्वाट। ऐसा हमें करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 5 सेट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी बॉडी को आगे लेकर जाते हैं
तो आपने अपने हिप की मसल को बिल्कुल स्क्वीज करना है, टाइट करना है, ठीक है ना, ताकि आपके हिप का बहुत अच्छा कर्विंग शेप आ सके। इस चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके का डंबल या वाटर बॉटल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। एज अ वेट हमें यूज करना है और हमें अपने ग्लूट को ऐसे होल्ड करना है, ठीक है, कम से कम 20 या 30 सेकंड्स के लिए, और अपने ग्लूट मसल को बिल्कुल स्क्वीज करना है, बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेस करना है। पैरों की पोजीशन आपकी यही रहेगी, बाकी लेग्स आपकी इस तरह से फोल्ड रहेगी, बॉडी आपकी इस तरीके से ऊपर रहेगी, अपर बॉडी, नेक डाउन रहेगा, आर्म्स एकदम स्ट्रेट रहेंगी, देन डाउन अगेन। आपको इसको 20 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपको 5 सेट्स। ग्रेजुअली आपने होल्डिंग टाइम इंक्रीज करते रहना है। ये आपके हिप को बहुत अच्छी शेप में लेकर आता है, आपके थाइस को बहुत अच्छी शेप में लेकर आता है। रिलैक्स हो जाइए, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, अपने लेग्स में इतना गैप रखना है और अपने हिप को बाहर निकालते हुए, अपनी कमर को अंदर बेंड करते हुए आपने वन लेग को ऊपर लेके जाना है, देन उसको रोटेट करना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपने अपनी ग्लूट मसल को यानी हिप मसल को स्क्वीज करके रखना है, जिससे कि आपके वहाँ पर लोड आएगा और उसको एक बहुत अच्छा कर्वी शेप मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और 5 सेट्स करने हैं, अदर लेग पे भी सेम। अब एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। गाइज, ये था हमारा लेग्स वर्कआउट। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो बस पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा अकाउंट है @ishwamhera और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।